इधर की रहने वाली। क्यों लड़ाई हुई है, क्या मसला हुआ है? कोई मसला नहीं, वैसे छोटा सा झगड़ा घर में। नंद भाभी की हुई है, शोर से हुई है? नंद भाभी से। तो नंद भाभी से की लड़ाई से घर छोड़ के आ जाओ? वैसे ही गुस्सा था, आगे अम्मी के पास जा रही थी। अम्मी कहाँ रहने वाली है? अम्मी फैसलाबाद। वहाँ किसको बताया, उस साइड पे, लेडीज साइड पे? किसी को भी नहीं। अब वैसे घर में छोटा सा झगड़ा था। छोटा से झगड़े पे तो इंसान घर नहीं छोड़ता। तो मैं नंद भरजाइयां बोलियां दे कोल कराया को नहीं थी, आके बह गई। फिर दो मैं रोटी खाना बनाने वास्ते दो मैं नंद भरजाइयां बोल पई। बस ऐसा मैं पता लग गया, मैं लेने आ गई। मेरी ये रिश्तेदार है आपकी? मेरी नूह है, मेरी पोती है। पहली बात तो ये है कि इधर काफी टाइम के 6 से 7 घंटे से इधर एक जगह पे बैठी है। देखिए जी, कोई भी घर से जो बाकी लड़की आती है या कोई बच्चा आता है, वो सीधी बात कभी नहीं बताएगा। कुदरती इधर उसकी सास भी इधर आके उसको लेने आ गई है, तो फिर उसके हैंडओवर किया है, हैंडओवर करके उसको भेजा है। कहाँ की रहने वाली हो? इधर की रहने वाली। क्यों लड़ाई हुई है, क्या मसला हुआ है? कोई मसला नहीं, वैसे छोटा सा झगड़ा घर में। शोहर क्या करता है तुम्हारा? फैक्ट्री का काम। तो लड़ाई क्या हुई है, किस वजह से हुई है? नंद भाभी की हुई है, शोहर से हुई है? नंद भाभी से। तुम नंद भाभी से की लड़ाई से घर छोड़ के आ जाओ? वैसे ही गुस्सा था, आगे अम्मी के पास जा रही थी। अम्मी कहाँ रहने वाली है? अम्मी फैसलाबाद। फैसलाबाद जो? अच्छा, कहाँ? यहाँ लाहौर में किस जगह के रहने वाले? बंदो पार के है। बंदो पार? किधर? बंदो पार के। अच्छा, तो झुग्गियों में रहती हो या घर है? घर है मैडम जी। हम तो वैसे घर से गुस्सा होकर मैं अम्मी के पास जा रही थी, हमारा कोई वैसा झगड़ा। ये कौन है, रिश्तेदार है या गैर? सास है। गैर है, घरों में शादी? हाँ जी। कितना अर्सा हो गया शादी? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल? घर वालों ने की है, पसंद की है? घर वालों ने। किस वक्त से निकली हुई? अभी आई हूँ, 10 मिनट हुए हैं। वहाँ किसको बताया कि मैं झगड़ गया? वहाँ किसको बताया, उस साइड पे, लेडीज साइड पे? किसी को भी नहीं। अब घर जाना या वालदा के पास जाना? घर जा रहे हैं। अपने ससुराल सास के साथ जाओ? इससे पहले भी कभी लड़ाई हुई है? कभी नहीं हुई। पहली दफा लड़ाई हुई है? वजह क्या थी नंद के साथ, किस चीज़ की? अब ऐसे घर में छोटा सा झगड़ा था। छोटा से झगड़े पे तो इंसान घर नहीं छोड़ता। देखो ना, छोटा सा झगड़ा ऐसा हो तो बंदा नाराज़ हो जाता है, डांट देता है, लड़ लेता है। आखिर इतनी कोई बड़ी लड़ाई है कि तुम घर छोड़ के आई हो? बच्ची को कोई बड़ी लड़ाई नहीं है वैसे। आप करेंगी बात? आ जाए। मेरी टीम में बात नहीं करती। तो थोड़ी तस्वीर नहीं आनी, कैमरा उठे होने, तुम सिर्फ थोड़ी आवाज़ आनी। मेरी टीम मेरी बात सुन। क्यों लड़ाई हुई है आखिर, ऐसी वजह? कोई लड़ाई कोई हुई वजह नहीं, कोई घर नहीं। मैं दवाई नहीं गई, मेरे दिल का मसला है। अच्छा, तो मैं नंद भरजाइयां बोलियां दे कोल कराया को नहीं थी, आके बह गई। सानू फोन की लारी अड्डे च भी बच्ची थोड़ी इतने बैठी है। किन्ने फोन किया सी? पुलिस ने? नहीं नहीं, मुंडे ने साडे ने। ते ओ मुंडा इत्थे नूं छड़ के गया सी साडा मुंडा। ते फिर अस आ गई, मेरी धी में लैन वास्ते आ गई। तू उत्थे असर बडोले दे गेट दे आई सी ना वीडियो भरन वास्ते, असं उत्थों आए हाँ। मेरी धी असा कोई इंज दे बंदे नहीं है। नहीं, अल्लाह माफ करे, हमने कौन सा कहा कि इंज दे बंदे? सानू यह पता चलिया कि वो नाराज होके आई है घरों। असी भी इंज करना सी ते असी तहफ़ सेंटर देना सी। उन्होंने तुहानू आप तुहाडे नाल राबता करना सी। अगर तुसी नहीं भी आना सी ते असी बाइफाजो तुहाडे घर। मेरी धी मेरा दिल का मसला, मैं गई सी दिल वाले अस्पताल दवाई लिया। फिर दो मैं रोटी खाना बनाने वास्ते दो मैं नंद भजाइयां बोल पई। बस ऐसा मैनू पता लग गया, मैं लेने आ गई। मेरी ये रिश्तेदार है आपकी? मेरी नूह है, मेरी पोती है। शादी से पहले क्या इसके साथ? आपके रिश्तेदार है, मेरी घर का मसला। कह रही है कोई रिश्तेदारी नहीं? नहीं नहीं, अल्लाह माफी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आते भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आते भाई, घरेलू झगड़ा था, फिर हमें इतला मिली जो हमारे इन्फॉर्मर है उन्होंने कहा जी खातून घर से लड़ के आई है, झगड़ के आई है। पहले उसने माना ही नहीं, उसने कहा जी मैं वालदा की तरफ जा रही हूँ। फिर जब हमने उससे पूछा, इसरार किया, तो उसने बताया 6 महीने की बच्ची गोद में ली हुई थी। और फिर बाकी सारा मामला जो है देखा, आवाम ने भी देखा, बड़ा तमाशा लगा है। तो कुछ हमें जाहिर है चीज़ें सेंसर करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें जो हैं छुपानी भी पड़ती हैं, जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली। अब आप बताएं कि मामला क्या है, लुपे लुबाब क्या? मैंने मामला इसमें ये था कि ये जो घर में झगड़ा तो हुआ था, लेकिन किसी वजह से झगड़ा हुआ था। इसकी जो पहले से पहली बात तो ये है कि इधर काफ़ी टाइम के 6 से 7 घंटे से इधर एक जगह पे बैठी है, तो जाहिर सी बात है हमें किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे एक ना
औरत है, उसके साथ छोटा बच्चा है। तो वो घर से भाग के आई है लेकिन अभी इधर रुकी हुई है। लेकिन जब मैंने उसे जाके पूछा कि घर से भाग के आई हो तो मेरे से झगड़ा करने लग पड़े कि तुम कौन होते हो, मेरे पास शिनाख्ती कार्ड है, मेरे पास शिनाख्ती कार्ड है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। लेकिन इसके जो घर वाले थे ये पहले दादा साहब थे, उधर ढूंढ रहे थे इसको। अच्छा। ठीक है, दादा साहब ढूंढाया स्टेशन में, ढूंढाया क्योंकि हम स्टोरी कर बाहर थे, हमें नज़र आए हैं। तो हमने उधर ने पूछा, फिर भी इनसे पूछ लिया कि तस्वीर देखी, लेकिन तस्वीर में नज़र आ गई ये औरत। फिर हमने लाइट में देखा, कुदरती इधर उसकी सास भी इधर आके उसको लेने आ गई है। तो फिर उसको हैंड ओवर किया है, हैंड ओवर करके उसको भेजा है ताकि देखें अभी वो। हमने एंड टाइम जैसे हमने तहफ़ मर कर बात कर ली, उन्होंने कहा जी ठीक है आप प्रोग्राम कर लें, उसके बाद हम इसको सेंटर लेके जाएंगे, फिर कोशिश करेंगे कि वहाँ उस इलाके का मुतलका थाने हम बात करते हैं ताकि ये लड़की को हैंडओवर किया जी इस तरह ही। लेकिन हमें तो पहले दादा साहब इसकी जो फैमिली वो हमें मिल चुकी थी और उन्होंने यही बोला था कि हमें ये औरत जो है ये हमारी जो घर ये हमें मिल नहीं रही, औरत जो है ना ये हमें मिल नहीं रही, जो मेरी जो बहू है वो हमें मुझे मिल नहीं रही। तो फिर हमने वो तस्वीर तो देख ली थी उसी टाइम, लेकिन जब अचानक ही हम इधर आए हैं तो इधर हमें नज़र आ गई। तो फिर उसका वेट किया है पीछे, फिर तहफ़ सेंटर वालों से बात भी की है सारा। 8 साल हो गए शादी को और इतना कोई, मैंने जब पूछा उसने कहा जी नहीं ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, बस घर में मामूली बात, कोई भी बात छुपा गई। देखिए जी, कोई भी घर से जो बाकी लड़की आती है या कोई बच्चा आता है वो सीधी बात कभी नहीं बताएगा। वो तकरीबन कम उपेश 15 से 20 दिन या 1 महीना 2 महीने जब किसी के पास रहेगा फिर सीधी बात बताएगा, उसी टाइम नहीं किसी को बताएगा। तो उस टाइम उसने सारी बातें अंदर से अंदर छुपाई होती हैं। और जितनी उसकी एक कहानी पहले तैयार उन्होंने की थी, कहानी शोहर का मामला था, फिर नंद भावच का मामला। हाँ जी, फिर नंद बाइक पर नहीं वो बैठ रही थी, और ये सारे मामला अपने मुश्किल से उसको भेजा सास के, छोटे छोटे झगड़े उससे जो औरतें बाहर नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ये घर में बैठ के ये मसले सॉल्व करने चाहिए। आदी भाई कई हमने ऐसे केसेस देखे हैं कि छोटे 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 झगड़े वो ज़रूर होते हैं, फिर वो यहाँ की होके रह जाती हैं, फिर वो अपने शोहर को भी छोड़ देती हैं यहाँ पे, फिर वो नाजायज़ औलादे भी पैदा करती हैं। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं, 2 दिन पहले की बात है। इधर एक औरत थी वो भी ऐसे काम करती थी इधर, जब उसे पूछा जी मैं घर से झगड़ के आई हूँ, छोटी सी बात पर झगड़ी हूँ, मेरे घर बच्चे भी हैं, मेरी सास भी है, मेरा सब कुछ है, लेकिन वो उसके बावजूद जनाब उसने एक बेबी इधर पैदा किया है। जब बेबी उसने पैदा कर लिया उसकी वालद का पता ही नहीं है, ठीक है, तो वालद का पता ना होने के बावजूद फिर DMS जो नवाज शरीफ हॉस्पिटल का था वो रात सारी रात इधर घूमता रहा, कुछ उसका शोहर ढूंढता रहा, अगर शोहर होगा तो मिलेगा ना। तो ये मामला नाजायज़ औलादे पहनते, उसने औरत ने ये कहा कि बच्चा ले लो मुझे जाने। हाँ, यानी कि मैं हैरान हूँ कि माँ तो एक दर्द जो है औलाद से, जिस औलाद के लिए दर्दें बर्दाश्त करके जिस औलाद को पैदा करती है उससे तो एक मिनट के लिए दूर नहीं हो सकती, तो यहाँ पे फिर औलादें नाजायज़ औलादें पैदा करती हैं, यहाँ की होके रह जाती हैं, उसके बाद फिर वो कहती हैं बच्चा कबूल करने से, बच्चा कबूल तक नहीं करती, वो कहती हैं जी ले लो मुझे ज़रूरत नहीं है, या फिर यही होता है एंड में वो बच्चे बेच देती हैं। तो इस माशरे का ये एक चेहरा आपको दिखाना ज़रूरी था, बाकी इस तरह के छोटे मोटे जो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं कि उसके बाद में नतायज ये सामने आते हैं। कीमती राय से आगाह कीजिएगा, हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।